एक मुट्ठी पत्ते बेचकर आप महीने का 50,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। दोस्तों यह जो मेरे हाथ में आप पत्ते देख रहे हैं, ये कौन से पत्ते हैं और इनको कौन खरीद रहा है आप अवश्य जानना चाहते होंगे। कल मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके जरूर देखिएगा। वहाँ पर बहुत सारे कमेंट आए थे, लोगों ने कॉल करके ही पूछा था कि सर इनको बेचने का और सरल तरीका क्या है, क्या वाकई में ये इतनी कीमत दे सकते हैं। जो आप मेरे हाथ में ये पत्ते देख रहे हैं ये 100 रुपए से लेकर 150 रुपए तक में बिक रहे हैं एक मुट्ठी पत्ते, और ये हरे पत्ते बिकते हैं दोस्तों, ये सूखे नहीं बिकते हैं और इनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों कौन इन पत्तों को खरीदता है, इनकी क्या खासियत है, पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, पहली बार चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के बहुत सारे बिजनेस आइडिया अक्सर हम देते रहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय भदौरिया, विजय बिजनेस गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जो वीडियो आपके लिए लेके आए हैं इसमें आपको ये पत्ते ढूंढने हैं, और ये पत्ते आपको आसानी से मिल जाते हैं, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों ये पूजा में चलने वाले पत्ते हैं, ये पत्ते दोस्तों आपको गांव क्षेत्र में तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं, बहुत ही आसानी से अगर आप गांव क्षेत्र में रहते हो, और उत्तर भारत में तो ये बहुत ज़्यादा है। ये है दोस्तों आम के पत्ते, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इस समय आम के पेड़ के पास खड़ा हूँ। ये जो पेड़ है ये आम का पेड़ है, ये देखिए है ना। तो अगर आप इस प्रकार गांव में रहते हैं तो इस प्रकार के पत्ते आपको तो बहुत आसानी से मिल जाएंगे। आप ये देख रहे हो ये आम के पेड़ है, तो ये पत्ते आपको तो बहुत आसानी से मिल जाएंगे। आपको ये पत्ते तोड़ने हैं और इस प्रकार से जैसे मैंने तोड़ के इकट्ठे किए, अच्छे अच्छे पत्ते, आप देखिए कोई भी निशान नहीं हो, बिल्कुल साफ पत्ते हो, अच्छे पत्ते हो, ऐसे इकट्ठे करने हैं और इनको बेचना है। अब आपके मन में एक सवाल अवश्य आ रहा होगा कि आखिर में इन पत्तों को खरीदेगा कौन, कौन खरीदता है इन पत्तों को। दोस्तों ये पत्ते आते हैं पूजा पाठ के काम में। दोस्तों आप तो जहाँ रहते हो सकता हो आपके आसपास बहुत सारे आम के पेड़ हों, जैसे कि हमारे यहाँ पर इस समय बहुत सारे आम के पेड़ हैं। मैं जहाँ पर हूँ इस समय बहुत सारे, चाहो तो आप देख सकते हो, ये देखिए पूरा बाग खड़ा हुआ है, यहाँ पर बहुत सारे पेड़ आम के आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जो लोग सिटी में रहते हैं, जैसे दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, या राजस्थान में बहुत सारी सिटी हैं जहाँ पर ये आम के पत्ते नहीं होते हैं, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ आम का उत्पादन नहीं होता है, वहाँ पर जो भी पूजा पाठ होती है, हवन होता है, शादी विवाह होती है, उनमें इनकी आवश्यकता पड़ती है। अब दोस्तों कोई शादी हो रही है और उसको आम के पत्तों की आवश्यकता है तो वो क्या करेगा, कहाँ से लाएगा? तो दोस्तों उनको बहुत परेशानी होती है, तो उनकी आप मदद करेंगे ये आम के पत्ते उन्हें बेचकर। दोस्तों वो इसका आपको पैसा भी देंगे, यानी कि ये पत्ते जो एक मुठिया पत्ते देख रहे हो ये 31-32 पत्ते हैं, यानी कि इतने पत्ते आप किसी को भी सेल कर सकते हैं ऑनलाइन। और दोस्तों पैसे बेचना कैसे है ये पहले समझिए, इसको बेचने के लिए आपको ऑनलाइन सहारा लेना होगा, यानी कि किसी को पूजा पाठ करनी है या शादी विवाह है, हवन वगैरह है, कुछ भी कर रहा है, गृह प्रवेश कर रहा है, उस समय इन आम के पत्तों की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो दोस्तों उस समय अगर पड़ रही है तो ऑनलाइन लोग आपसे ये खरीदेंगे, खरीदेंगे कैसे, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। फ्लिपकार्ट पे अभी इस समय कोई भी सेलर नहीं है जो ये आम के पत्ते बेच रहा हो, अगर आप वहाँ रजिस्टर करते हैं तो सबसे पहले आपको चांस है कि आपके आम के पत्ते जल्दी बिकने लगे। अमेजोन पर इस समय कई लोग इस पत्तों को बेच रहे हैं, मैंने कुछ स्क्रीनशॉट देखे हैं जो आप साइड में देख सकते हो, ये देखो कुछ लोग आम के पत्ते बेच रहे हैं, यानी कि इस रेट में आम के पत्ते यहाँ पर बिक रहे हैं। और क्यों बिक रहे हैं, जैसा कि हमने पहले आपको बताया पूजा पाठ में इनका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। अब दोस्तों जैसे कि आप मेरे हाथ में एक लाल कलर का एक कलावा भी देख रहे होंगे, ये देखिए इसका भी प्रयोग है, क्योंकि आप इसके साथ में भी इसको भेज सकते हो, वरना ये जो कलावा है इसको आप, इन्होंने थोड़ा बिगाड़ दिया, इस प्रकार से इसको करना है अलग। और ये जो आम के पत्ते हैं इसमें से थोड़ी सी आपको माला बना के भेज देनी है, इससे क्या होता है ये दरवाजे पर बंधन बारी बनाने के काम आती है, इस प्रकार से लगाएंगे आप और इस प्रकार से आप बनाते चले जाइए माला, ये देखिए इस प्रकार से आप माला बना के भेजेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छी होगी। ये देखिए ये दो पत्ते आप लीजिए इस प्रकार से, और इस प्रकार से माला बना दीजिए, ये दोस्तों बहुत अच्छी होती है और दरवाजे पे ये बांधने के काम आते हैं, ये देख रहे हो आप इस प्रकार से, ये देखिए। और देखिए मैं आपको दिखाता हूं, कुछ मैं बना देता हूं थोड़ी सी तो आप इससे पहचान जाओगे कि ये दरवाजे पे बांधने के काम आती है, और ये शुभ होती है, अक्सर पूजा पाठ जब भी होता है तो वहाँ पर इसकी आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। बहुत सारे लोग इसको तैयार करते हैं, बहुत सारे लोग तैयार नहीं करते क्योंकि ये उपलब्ध ही नहीं होती है, तो आपको इस प्रकार से ये थोड़ी सी माला बना लेनी है और इसको साथ में पैक करके भेज देनी है, ये कलावा जो है कलावा के साथ में इसको बना के भेजना है आपको।
तो इससे क्या होगी, आपकी जो दुकानदारी है और भी अच्छी चलेगी। लोग अगर एक बार आपके यहाँ से मंगा लेंगे तो दोबारा जब भी वो पूजा पाठ करेंगे तो वो आपको ही ऑर्डर देंगे। दोस्तों इसकी डिमांड बहुत अच्छी है, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस बिजनेस में जीरो इन्वेस्टमेंट है। अक्सर आप बिजनेस करते हैं तो आपको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना होता है, पर इस बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आप गाँव में रहते हैं तो गाँव से शुरू कर सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से, ये आप थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस प्रकार से इसको बांध करके तैयार कर दीजिएगा। 20 आप 11 वो लगा सकते हैं इसमें। ये देखिए इस प्रकार से थोड़ी सी माला बना देंगे आप इसमें तो ये अच्छी लगेगी। और इसको दरवाजे पे बांधने के काम आती है, बंधन वारी दोस्तों इसको बोला जाता है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। ये देखिए, ये देखिए इस प्रकार से ये माला बन जाएगी और पूरी जब बन के तैयार हो जाएगी तो ये दरवाजे पर जब शादी विवाह कोई भी फंक्शन होता है तो ये बांधने के काम आती है। इस प्रकार से और भी बढ़िया बना सकते हैं, मैंने छोटी सी बना के केवल आपको दिखाई है कि इस प्रकार से आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो इस यहाँ पर आपको केवल एक इस प्रकार से कलावा खरीदना है और ये पत्ते ये तो आसानी से आपको मिल जाते हैं। यानी कि ये अकेला ऐसा बिजनेस है जिसमें जीरो इन्वेस्टमेंट है। अब आप समझ रहे होंगे जीरो इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं, तो आपको क्या करना है, ये आम के जो पेड़ है इनके अच्छे अच्छे पत्ते, ऐसा ना हो कि आप इस प्रकार से पत्ते तोड़ के भेज दें किसी को, भाई पैसा कोई दे रहा है तो इस प्रकार से खराब पत्ते ना हो। जब देख रहे हैं ये हालत इन पत्तों की, इस प्रकार से ना देखकर पत्ते एकदम साफ सुथरे होने चाहिए। जितना अच्छा पत्ता होगा उतनी ज़्यादा अच्छी बात है। तो आपको इस प्रकार से पत्ते पेड़ से तोड़ने हैं, बहुत सारे पेड़ तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं, बहुत सारे ऊंचे होते हैं उन पर चढ़ना पड़ सकता है, बस इतना है। पत्तों को तोड़िए और बेचिए दोस्तों, बहुत अच्छी बिक्री हो रही है। अब दोस्तों बात आती है कि चलो मैं बिजनेस तो करना चाहता हूँ, पर समस्या ये है कि मैं इसको बेचूंगा कैसे, ऑनलाइन कैसे बेचता है। दोस्तों ऑनलाइन बेचने के लिए आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट या जो भी ई कॉमर्स साइट है यहाँ पर एज ए सेलर रजिस्टर करना होगा। अब बात आती है मुझे रजिस्टर तो होना है, पर रजिस्टर होने के लिए चाहिए क्या, कैसे रजिस्टर होते हैं। दोस्तों अगर आप एज ए सेलर बनना चाहते हैं अमेजोन पर, तो आप घर बैठे अपने मोबाइल से एज ए सेलर बन सकते हो। सिर्फ एक चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, वो है आपका GST नंबर। अब GST नंबर दोस्तों आप चाहें तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या बाजार में मार्केट में जा करके जो CA वगैरह है उसके द्वारा आप आवेदन करवा सकते हैं, GST नंबर आपको मिल जाएगा। या ऑनलाइन जब आप फॉर्म भरेंगे, ऑनलाइन रजिस्टर करेंगे, उसी समय एक विकल्प आता है कि GST अप्लाई करें, तो उस समय भी आप डायरेक्ट GST अप्लाई कर सकते हो। तो GST अगर आप ले लेते हो तो GST के आधार पर आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट या जो भी ई कॉमर्स साइटें हैं उन सभी पर एज ए सेलर रजिस्टर हो जाइए, और ये प्रोडक्ट फ्री के, ये प्रोडक्ट ढूंढ करके इनको सेल कीजिए, कोई भी पैसा नहीं देना है। आप एक चीज़ समझिए, आज के समय में जो बड़ी बड़ी सिटियों में रहते हैं वहाँ आम के पेड़ कहाँ हैं, एक भी आम के पेड़ नहीं मिलते हैं, लेकिन उनको ये आवश्यकता पड़ती है, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे पे आपके राजस्थान में आम के पेड़ बहुत कम है, राजस्थान में जरूरत पड़ती है, बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर आम नहीं होता है। जब आम होता नहीं है वहाँ पर और पूजा पाठ करनी है तो लोग इनको ऑनलाइन मंगाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से इसका बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जहाँ पर भी रह रहे हैं वहाँ से ये बिजनेस शुरू करो, पूरे देश में माल बेचो, लोगों का भी भला होगा, उनको आप एक बहुत ही अच्छी सुविधा दे रहे हो, क्योंकि उनके पास ये आम के पत्ते नहीं है, उन्हें आप पूजा पाठ के लिए दे रहे हो। दोस्तों शादी विवाह में भी लगते हैं, पूजा पाठ में लगे, गृह प्रवेश में भी लगते हैं, बहुत सारे काम में आता है। अभी जैसे नवरात्रि चल रही है तो नवरात्रि में क्या होगा, पूजा पाठ होगा, पूजा पाठ होगा तो इनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो आसान है दोस्तों इसका बिजनेस करना। अब आपको करना क्या है, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले एज ए सेलर बन जाइए फ्लिपकार्ट अमेजोन पर, और वहां पर अपने गांव के प्रोडक्ट, बहुत सारे मैंने इससे पहले कई एक वीडियो बनाए हैं जो कि इस तरह के हैं जिसमें आपको जीरो इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इससे पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे जो जाके जरूर देखिए, गाँव में मिलने वाले ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो मुफ्त में मिलते हैं, एक भी पैसा नहीं लगता है, वो फ्री वाले प्रोडक्ट ऑनलाइन ले जाके बेचो। दोस्तों आप भी पैसे कमा सकते हो, गांव में रहते हो तो क्या हुआ, क्या गांव में बिजनेस नहीं है, गांव में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो शहर के लोग चाहते हैं कि उनको मिले पर मिल नहीं पा रहे हैं, तो आप ऐसे प्रकार के बहुत सारे प्रोडक्ट खोज करके ऑनलाइन सप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक ऐसा प्रोडक्ट ला के जो गाँव में मुफ्त में मिलता है पर सिटी वाले उसको ढूंढते रहते हैं, तो इस प्रकार का प्रोडक्ट हम आपको कल देंगे। जरूर देखिएगा वो वीडियो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।